स्वागत है आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, वीडियो काफ़ी लंबी हो सकती है, लेकिन इस वीडियो में हम एक एक पॉइंट्स के बारे में चर्चा करेंगे। जी हाँ, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के बारे में चर्चा करेंगे, कौन से पद अभी बाकी हैं जिन पे भर्तियाँ आने वाली हैं, कौन से पदों का अधियाचन लटका हुआ है शासन स्तर से भी, और उसके अलावा तमाम और भी खबरें इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो मेरे साथ आप अंत तक बने रहिएगा, चलिए शुरू करते हैं। जी हाँ, सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तराखंड में लोक सेवा आयोग में किन किन भर्तियों का अधियाचन जो है शासन स्तर पर यहां पर लंबित है। तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले सम्मिलित समीक्षा सहायक और ARO जिसको लेकर काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर बातचीत हो रही है। हालांकि जो रिसेंट टाइम में भर्ती अपडेट आई थी, न्यूज आई थी, उसमें कहा गया था कि लोक सेवा आयोग के पास जो है अधियाचन पहुँच गया है, लेकिन अभी तक उसकी हाल फिलहाल जो है कोई अपडेट नहीं बाहर निकल के सामने आ रही। लेकिन यहाँ कहाँ तक जा रहा था कि सेकेंड वीक ऑफ जुलाई वो आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है, लेकिन फिलहाल अभी तक तो कोई यहाँ पर न्यूज नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके अलावा उप निरीक्षक पुलिस अग्निशमन अधिकारी भर्ती, उसके अलावा श्रेष्ठ वैज्ञानिक सहायक विधि विज्ञान प्रयोगशाला, ठीक है, उसके अलावा PCS 2023, उसके अलावा लोअर PCS परीक्षा, उसके अलावा सफाई निरीक्षक, उसके अलावा वन क्षेत्राधिकारी परीक्षा, उसके अलावा अपर निजी सचिव परीक्षा, उसके अलावा राजस्व निरीक्षक भर्ती, उसके अलावा व्यवस्थापक निरीक्षक अधिकारी, उसके अलावा प्राचार्य राजकीय पॉलिटेक्निक परीक्षा। राजकीय पॉलिटेक्निक परीक्षा को लेकर काफ़ी कैंडिडेट लगातार कॉमेंट करते रहते हैं। हालाँकि इससे रिलेटेड भी बीच में जो है खबरें आई थी कि यहाँ पर जो है पद आ सकते हैं। पहले ये पद जो है कहा जा रहा था कि आउटसोर्सिंग के माध्यम से आएंगे, लेकिन उस पर भी अभी तो जो है हाल फिलहाल में कोई अपडेट नहीं है। तो ये पद तो रहे जो शासन स्तर से आप देख सकते हैं लंबित हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर कि उत्तराखंड में श्रेणीवार कितने पद यहाँ पर खाली हैं। तो आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग आपके लिए होने वाली है, ठीक है। अगर आप जो है लोक सेवा आयोग से जो है भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं उत्तराखंड में सभी श्रेणियों में लगभग आप देख सकते हैं 257,940 पद यहां पर स्वीकृत हैं, जिनमें से 68,586 पद यहां पर खाली है। तो अलग अलग यहां पर जो कैटेगरी आप देख सकते हैं, समूह क के अंदर 9,636 पद जो है स्वीकृत हैं, जिसमें से 4,199 पद यहां पर खाली हैं। उसके अलावा समूह ख के अंतर्गत 13,622 जो है पद स्वीकृत हैं, और जबकि 4,826 यहाँ पर जो है पद खाली पड़े हैं। उसके अलावा समूह ग के अंदर 1,68,000, जी हाँ, जिसको लेकर काफ़ी अभ्यर्थी तैयारी करते हैं, चाहे वो लोक सेवा आयोग के लिए करें, चाहे वो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के लिए करें। तो समूह ग में आप देख सकते हैं 1,68,672 पद स्वीकृत हैं, जिसमें से लगभग आप देख सकते हैं 48,706 पोस्टें जो है अभी भी खाली पड़े हैं। उससे समूह ग के अंदर आप देख सकते हैं 66,010 पद यहाँ पर स्वीकृत हैं, जबकि 10,855 पोस्टें अभी भी जो यहाँ पर खाली पड़ी है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से पूरा खाका ये है उत्तराखंड का, जहाँ पर 257,940 पद टोटल जो है राज्य के लिए स्वीकृत हुए हैं, जिसमें से 68,000 जो है अगर इसको मैं ऑन एन एवरेज मानूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं करीब 69,000 के आसपास जो है यहाँ पर पद खाली हैं, जिसको लेकर लगातार खबरें आती हैं कि सरकार इनको भरने वाली है, आज भरने वाली है, कल भरने वाली है, परसों भरने वाली है, इस साल 10,000 पद आएंगे, अगले महीने 20,000 पद आएंगे, लेकिन कब आएंगे, कैसे आएंगे, अभी तक किसी का कोई जवाब किसी के पास नहीं है। पूरा PDF इस वीडियो में जो भी आप देख रहे हैं आपको हमारे टेलीग्राम के ग्रुप में अवेलेबल करा दी जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बता दिया था कि शासन स्तर से आप देख सकते हैं ये सभी पद जो है लंबित हैं, ठीक है गाइस। इसके अलावा और भी पद जो है शासन स्तर पर इनके अधियाचन लटके हुए हैं, आप देख सकते हैं लौंगिक अधिकारी परीक्षा, उसके अलावा व्यक्तिक सहायक जो कि आने वाली है, ठीक है, PCS तो ऑलरेडी हमने आपको वो बता दिया, उसके अलावा पशु चिकित्सा अधिकारी ग्रेड 2, उसके अलावा गन्ना
पर्यवेक्षक, दुग्ध पर्यवेक्षक के अलावा उत्तराखंड में श्रेणीवार तमाम पद जो है यहाँ पर खाली पड़े हैं, जो कि अभी शासन स्तर पर ही यहाँ पर जो है लटके हुए हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मैंने आपको डिटेल बताई कि कितने पद यहाँ पर जो है खाली पड़े हैं, चाहे वो समूह क के लिए हो, समूह ख के, समूह ग के और समूह घ के। ठीक है, उसके अलावा जो भर्तियां शासन स्तर पर लंबित हैं उनकी लंबी चौड़ी लिस्ट आप देख सकते हैं, इस तरह से है। ठीक है, उसके अलावा यहां पर आप देख सकते हैं तमाम और यहां पर जो है पद अभी भी जो है यहां पर लंबित पड़े हुए हैं शासन स्तर पर लेकर, लेकिन अभी तक जो है सरकार इस पर कोई डिसीजन नहीं ले पा रही है। बाकी वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। बाकी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।